संगम स्टोर है स्टोर नहीं तो हम माही जाखम नदी के हम संगम स्टोर पर आज फाइनली आके हम खड़े हुए हैं नीलकंठ महादेव के दरबार में और आज प्रभु के दर्शन का हमें लाभ मिला। हाँ। साथ में हमारे मित्र सुशांत जी शेखर और बाबू सत्यनारायण सिंह जी राठौड़। नाव जा रही है वहाँ, देखो नाव जा रही है, इससे हमें ये अनुभूति होने नाव का सवारी जाले उपलब्ध हो जाती है अगर आप शिकार करना चाहो बच्चों का। इसको बोलते हैं सवड़ी और ये हमारे कुछ अस्थि अस्थि विसर्जन के लिए काम आती है और इसके बोलते हैं सकोड़िए। इसको बोलते हैं सकोड़िए बोलते हैं और वागड़ी में बिक्का बिक्का बोलते हैं और ये हमें काफी काम आता है जैसे आलू पीसने जैसे कि काम करने आता है। ये 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 टोटका करते हैं उसमें वो डालते हैं वो अस्थि विसर्जन के लिए काम आता है। रवि टेंशन में आज अच्छा अनुभव कर रहे हैं और ये पूर्वानुभूति हमें जीवन पर्यंत याद रहेगी। जैसे कि हम सोच रहे हैं शशांक जी से हम वार्तालाप करेंगे। शशांक जी आप हमारे वागड़ की धरोहर के साथ में हरियाली को हरियाली से अवगत कराएं। शशांक जी से अभी 2 मिनट तक पहुंचेंगे और जब तक हमें सबूत नहीं मिलते तब तक हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे। और हमारी रही बात, हम यूं कह रहे थे कि आपको कि देखो ये सही हमारा वातावरण है हमारा। अरे ये मोती आप जिला उपाध्यक्ष बने हो तो आपको ये खड्डे क्यों दिख रहे हैं? रीजन है ये हमारे कवर माए नदी गाय है, ये हमें एक पुरातत्विक हमें नदी के मिला है और बहुत भारी है, भारी है, इसमें निकाल नहीं सकते इसे मंदिर के ऊपर का। और ये मूर्ति है स्थापित की हुई है नदी के जस्ट सामने है, ये नंदी महाराज है और ये पता नहीं अब निकल नहीं रही है, दो जने ट्राई कर रहे हैं पर ये इसी के साथ में नाग देवता का नाग देवता है हमारे। इधर लाना थोड़ा, आप इधर लाओ, ये हमें नाग देवता का अभी मिले हैं नदी का पोजीशन बता दो। ये मूर्ति मिली है ये मंदिर के जो गुंबद होता है, निकलेगे क्यों नहीं निकले? ये बहुत भारी चीज है, किसी भारी चीज है नहीं निकल गया, खत्म हो गई एनर्जी। तो ये बहुत अच्छा है, जय श्री राम, ये भोलेनाथ दादा आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना सर।